छत्तीसगढ़ में छेड़छेड़ा पर्व पर राजनीति गर्म हो गई। भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर निशाना साधा है और दान के रूप में शराबबंदी, गरीबों का चावल और स्व सहायता समूहों की महिलाओं की कर्ज माफी करने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि आज छेड़छेड़ा पुन्नी है, छत्तीसगढ़ की महान दान की संस्कृति का पर्व है। इस पर्व में राज्य सरकार से केंद्र से आए प्रति व्यक्ति अतिरिक्त जो 5 किलो चावल की मांग की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा, आज छेड़छेड़ा पुन्नी है, छेड़छेड़ा पर्व छत्तीसगढ़ की महान दान की संस्कृति का पर्व है। इस पर्व में मैं मुख्यमंत्री जी से छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से मांग करता हूँ कि भूपेश बघेल केंद्र से आए प्रति व्यक्ति अतिरिक्त को 5 किलो चावल हैं, उसे प्रदेश की जनता को देने की घोषणा करें। प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा, छेड़छेड़ा पुन्नी के इस पावन अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की बेटी बहन बनकर मुख्यमंत्री से मांग करती हूं कि आज आप शराबबंदी और महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दान के इस महापर्व को सफल बनाएं। आज छेड़छेड़ा पुन्नी है, यह एक दान का पर्व है और दान के इस पर्व को याचक एवं दाता दोनों ही बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति महीना निशुल्क दिया जा रहा है और यह चावल पिछले 33 महीने से दे रहे हैं। इस योजना को आगामी 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह चावल प्रदेश की जनता तक उचित तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से आज मांग करता हूं कि वे आज इस महान सांस्कृतिक पर्व के अवसर पर अपना हृदय बड़ा करते हुए गरीबों के लिए आए हुए 5 किलो चावल उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे गरीबों का कल्याण हो सके और उनके घरों के चूल्हे ठीक से जल सकें। छत्तीसगढ़ में महादान का पर्व है छेड़छेड़ा और इस दान के पर्व में एक प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं, उनसे निवेदन करती हूं कि प्रदेश की बहनों के साथ किए हुए वादे, जो शराबबंदी का वादा इस सरकार ने किया था, उस शराबबंदी के वादे को पूरा करें। महिला समूह के साथ जो कर्जा माफी की बात सरकार ने कही थी, उस वादों को जल्द से जल्द यह सरकार पूरा करे।